हेलो स्टूडेंट्स, शो सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय यश के शो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नाउन द नंबर। नाउन द नंबर में आज हम जानेंगे किस प्रकार से एक सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है और इन सिंगुलर प्लूरल्स का किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में क्या रोल है। एक्चुअली इन एवरी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन देर आर सम क्वेश्चन ऑन एरर फाइंड आउट इन विच द क्वेश्चन आर सेट अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब्स। दोज हेल्पिंग वर्ब्स आर रिक्वायर्ड बाई सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट्स। सो टूडे इन दिस लेक्चर वी विल नो अबाउट विच वर्ड इज सिंगुलर एंड विच वर्ड इज प्लूरल। बिफोर गोइंग देयर लेट मी कंटिन्यू विद द फर्स्ट स्टेप, हाउ अ सिंगुलर कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ प्लूरल। आपके स्क्रीन पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं नंबर, नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। नंबर की डेफिनेशन होती है इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। कोई एक ऐसा नाउन जो हमें ये एहसास करवाए कि एक है या एक से ज्यादा है उसे नंबर कहती है। ये नंबर दो प्रकार का होता है, वन इज सिंगुलर नंबर, सेकंड इज प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मींस इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, अगर कोई नाउन सिर्फ एक के बारे में ही बताए इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। एंड प्लूरल नंबर मीन्स इफ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। सो हेयर यू कम टू नो अबाउट व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों एक सिंगुलर को प्लूरल में बदलने के लिए क्या क्या किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात आपके सामने आ रही है रूल नंबर वन, दैट मीन्स अ सिंगुलर कॉमन नाउन कैन बी चेंज इंटू प्लूरल बाई एडिंग एस इन द लास्ट ऑफ अ नाउन। हम किसी भी एक ऐसे नाउन को एस लगाकर प्लूरल में बदल सकते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं, डॉग एस लगाया डॉग्स, मैप मैप्स, प्लांट प्लांट्स, फैन फैंस, पेन पेन्स, चेयर चेयर्स, लॉक लॉक्स, ब्रिक ब्रिक्स, स्टार स्टार्स, डोर डोर्स, हॉर्स हॉर्सेस, फ्लैट फ्लैट्स, फैन फैंस, बुक बुक्स, बट there are some others also. In rule number 2, have a look at your screen. If a singular common noun ends in S, double S, SH, CH, X or Z, then it can be changed into plural by adding ES in the end of that noun. यानी ऐसे noun जिनके अंत में S, double S, SH, CH, X या Z दिया गया हो, उनको हम बहुवचन बनाने के लिए ES word उनके पीछे जोड़ देते हैं। जैसे टोपाज, टोपाज का टोपाजेज, इसके एंड में जेड है तो ईएस लगा दिया। बस बसेज, क्लास क्लासेज, बुश बुशेज, क्लास ग्लासेज, डिश डिशेज, वॉच वॉचेज, टैक्स टैक्सेज, क्विज क्विजेज, गैस गैसेज, किस किसेज, ब्रश ब्रशेज, मास मासेज, बेंच बेंचेज, ब्रांच ब्रांचेज, बॉक्स बॉक्सेज। सिमिलरली हैव अ लुक हियर ऑल्सो रूल नंबर 3, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन वाई से समाप्त होता हो और वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन दिया गया हो तो वाई को हटाकर उसकी जगह आई ई एस लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिएगा सैलरी, इसके वाई से पहले आर एक व्यंजन है कॉन्सोनेंट है, तो इसे प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर आई ई एस लगाया गया और ये बना सैलरीज। सेकंड वर्ड हॉबी, हॉबी में अंत में वाई है और वाई से पहले बी यानी कॉन्सोनेंट दिया है तो ये बना हॉबीज। तो इस प्रकार से जितने वर्ड दिए गए इन सब में वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट दिया गया है और इस कॉन्सोनेंट के कारण ही वाई को हटाकर आई ई एस वर्ड जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। थर्ड वर्ड है नर्सरी, नर्सरीज, ऑबिचुअरी, ऑबिचुअरीज, पोनी, पोनीज, ड्यूटी, ड्यूटीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज, स्टोरी, स्टोरीज, फ्लाई, फ्लाइज, लिली, लिलीज, आर्मी, आर्मीज। सिमिलरली इन रूल नंबर 4 आपको दिया गया सिंगुलर कॉमन नाउन वाई से तो एंड होते हैं लेकिन उनसे पहले एक वॉवल दिया गया हो तो उसमें वाई को हटाया नहीं जाएगा बल्कि केवल एस लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा।
जबकि इससे पहले वाले रूल में यह बताया गया था कि अगर वाई अंत में दिया गया हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर उसकी जगह आई एस लगाया जाता है, लेकिन वाई से पहले अगर कोई वोवल हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे फर्स्ट वर्ड देखिएगा स्टोरे, इसमें वाई से पहले ई गिवन है जो एक वोवल है, तो ओनली एस जोड़कर इसे स्टोरेज बना दिया गया। वैली वैलीज, रे रेज, पे पेज, बे बेज, जर्नी जर्नीज, मॉन्की मॉन्कीज, चिमनी चिमनीज, डे डेज, टॉय टॉयज, प्ले प्लेज, की कीज, डोंकी डोंकीज, ट्रे ट्रेज। तो इन सभी में वाई से पहले आपको एक वोवल दिया गया है, इसलिए वाई के साथ केवल एस जोड़कर इनको प्लूरल बनाया गया। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन ओ से एड होता है और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट दिया गया हो तो इसे प्लूरल बनाते समय ई एस वर्ड उसमें जोड़ दिया जाता है, यानी एड में वावल हो, ओ हो और ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया गया हो तो ई एस एड करेंगे। जैसे टॉर्नेडो, इसके एंड में ओ है मगर ओ से पहले डी एक कॉन्सोनेंट है तो इसके पीछे ई एस लगा दिया, टॉर्नेडोज। फ्लैमिंगो, ओ है एंड में, ओ से पहले जी एक कॉन्सोनेंट है इसलिए ये बना फ्लैमिंगोज। डेस्पेरडो डेस्पेरडोज, बफेलो बफेलोज, विटो विटोज, वॉल्केनो वॉल्केनोज, मैनिफेस्टो मैनिफेस्टोज, पोटैटो पोटैटोज, टोमैटो टोमैटोज, मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, इको इकोज, टॉर्पीडो टॉर्पीडोज, मोमेंटो मोमेंटोज। लेकिन बच्चों इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि एंड में ओ होने और उससे पहले कॉन्सोनेंट आने के बावजूद भी इसमें हम ई एस नहीं जोड़ते। ऐसे कुछ वर्ड आपके सामने स्क्रीन पर हैं, फोटो क्वार्टो किलो सोलो कमांडो प्रोविजो, इन सब के पीछे केवल एस लगाया जाता है, या पियानो डायनमो मैस्ट्रो एम्ब्रियो कैंटो कंसर्टो, इन सब के पीछे ओ है उससे पहले कॉन्सोनेंट है फिर भी केवल एस लगाकर इनका बहुवचन बनाया जाता है। नीचे आपको एक स्पेशल इंडेक्स देकर बताया गया, सम अदर एग्जांपल्स विच एंड्स इन ओ एंड देर इज कॉन्सोनेंट बिफोर ओ बट चेंज्ड इनटू प्लूरल बाय यूजिंग बोथ एस और ई एस। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको हम एस से भी बना सकते हैं ई एस से भी बना सकते हैं जबकि उनके एंड में ओ है और उससे पहले कॉन्सोनेंट भी दिया गया है, जैसे कार्गो का कार्गोज एस से भी बनाया ई एस से भी बनाया, पोर्टिको पोर्टिकोज, लासो लासोज। इसी तरह बच्चों रूल नंबर 6 देखिएगा, अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन के एंड में ओ है लेकिन ओ से पहले एक और वॉवल दिया हुआ है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस एड किया जाता है, यानी एंड में ओ है और उससे पहले एक वॉवल है। जैसे वीडियो, वीडियो में ओ से पहले ई है जो एक वॉवल है, बैम्बू, बैम्बू में ओ से पहले एक और ओ है जो वॉवल है, क्यूरियो ओ से पहले आई है, फोलियो ओ से पहले आई है जो वॉवल्स है। तो इस तरह से अगर कोई वर्ड गिवन हो तो उसके पीछे केवल एस लगाकर हम प्लूरल बनाएंगे। रेडियो रेडियोज, सिनेरियो सिनेरियोज, कुकू कुकूज, कैमियो कैमियोज, पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोज, टैबू टैबूज, गैपू गैपूज, लड्डू लड्डूज, रेशियो रेशियोज, स्टीरियो स्टीरियोज। सिमिलरली have a look on the next one, rule number 7. If a singular common noun ends in F or FE, अगर किसी singular common noun के अंत में F या FE आता है तो इसका plural F को हटाकर VES लगाकर बनाया जाता है। जैसे word है calf, calf के पीछे F है तो इसका F को replace किया और VES लगाया, ये बना calves। Similarly, wife, वाइफ में एफ ई को रिप्लेस किया वाइव्स, इल्फ इल्व्स, शेल्फ शेल्व्स, लॉफ लॉव्स, हाफ हाफ्स। तो इस तरह से अगर एफ या एफ ई दिया हो उसे हटाकर वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में एफ होने के बावजूद भी
हम उसका प्लूरल वीईएस लगाकर नहीं बना सकते। ऐसे कुछ एग्जांपल आपके सामने रखे गए हैं, जरा देखिएगा। चीफ, इसको केवल एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, चीफ चीफ्स, टर्फ टर्फ्स, बिलीफ बिलीव्स, क्लिफ क्लिफ्स, टर्फ टर्फ्स, स्टफ स्टफ्स, स्कार्फ स्कार्फ्स, हुफ हुफ्स, पफ पफ्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड में एफ या एफ ई होने के बावजूद भी हम इसको वी ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। सिमिलरली रूल नंबर 8, प्लूरल ऑफ सम सिंगुलर कॉमन नाउन इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वॉवल्स ऑफ मिडल पार्ट ऑफ द नाउन। किसी कॉमन नाउन में, सिंगुलर कॉमन नाउन के प्लूरल बनाने के लिए उसके बीच के वॉवल्स को बदल दिया जाता है ताकि वो प्लूरल बन सके। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, माउस माइस, गूस गीज, लाउस लाइस, मैन मिन, फुट फीट, डॉरमाउस डॉरमाइस, टूथ टीथ, वुमन विमेन। तो इस प्रकार से हमने बीच के वॉवल्स को चेंज किया। लेकिन इसके बाद स्टार लगावा देखिएगा, सम अदर नाउन्स आर चेंज्ड इन प्लूरल बाय यूजिंग ईएन और आरईएन। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जिनको बहुवचन बनाने के लिए हम ईएन या आरईएन का प्रयोग भी करते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ब्रदर का ब्रेदरन। बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो फॉरेन लैंग्वेज के होते हैं जिनका प्लूरल बनाते समय एक अलग ही तरीका अपनाया जाता है। जैसे आपके सामने कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं, इनमें कोई एस या ईएस की कंडीशन नहीं है। देखिए फर्स्ट क्या कहते हैं, एजेंडम एजेंडा, एक्सिस एक्सिस, बैंडिट बैंडिटी, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, डिक्टम डिक्टा, फॉर्मूला फॉर्मूले, सेनेटोरियम सेनेटोरिया, रेडियस रेडियाई, मीडियम मीडिया, मिनिमम मिनिमा, माउस माइस, एजेंडम एजेंडा, सिलेबस सिलेबी, रोस्ट्रम रोस्ट्रा, फोकस फोसी, सिंगल अलुमनस अलुमनी, एनालिसिस एनालिसिस, बेसिस बेसिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, डाटम डाटा, मेमोरेंडम मेमोरेंडा, फिनोमेनन फिनोमिना, लोकस लोसाई, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिलेनियम मिलेनिया, लाउस लाइस, बेसिलस बेसिली, जीनियस जिनाई, पोडियम पोडिया, इरेटम इरेटा। सिमिलरली हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट वन ऑल्सो, व्हेन द इज यूज्ड विद एन एडजेक्टिव देन इट बिकम्स प्लूरल। अगर हम किसी एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है, अर्थात वो पूरी क्लास के बारे में बताता है। जैसे द पुअर, इसका मीनिंग हुआ पुअर पीपल, द सिख यानी सिख पीपल, द रिच रिच पीपल, द ऑनेस्ट ऑनेस्ट पीपल। दिस द जब किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं तो वो एक कंप्लीट क्लास को शो करने लगता है। इसी प्रकार रूल नंबर 10 देखिए, एस और एस आर नॉट एडिड टू बिलो गिवन वर्ड्स टू मेक प्लूरल। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको बहुवचन बनाने के लिए एस और एस कभी भी यूज नहीं किया जाता। जैसे डजन स्कोर ग्रोस हंड्रेड थाउजेंड मिलियन पेयर यूनिट एडवाइस एटसेट्रा। अगर इन्हें कभी प्लूरल बनाना पड़े तो प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ हम न्यूमरल्स का यूज करते हैं, अर्थात अंकों का प्रयोग करते हैं। न्यूमरल्स आर यूज टू मेक देम प्लूरल, जैसे दो दर्जन, पांच हजार, दो सौ, दो जोड़े, इस प्रकार से। बोथ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट न्यूमरल्स कैन बी यूज विद सच वर्ड्स टू मेक देम प्लूरल। और ऐसे वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम इनके साथ निश्चित और अनिश्चित प्रकार के न्यूमरल्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा, डजन के साथ लगाया टू डजन, हंड्रेड के साथ फाइव, थाउजेंड के साथ टू, ये डेफिनेट न्यूमरल थी, टू फाइव इस प्रकार से। लेकिन इसके अलावा अ फ्यू पेयर मैनी पेयर सेवरल एग्स, ये इनडेफिनेट न्यूमरल लगाए गए हैं पेयर के साथ एग के साथ, अ फ्यू मैनी सेवरल।
तो इस प्रकार से हम इन वर्ड्स के साथ डेफिनेट या इनडेफिनेट कोई भी न्यूमरल लगाकर इनको बहुवचन बना सकते हैं. दीज वर्ड्स कैन बी यूज एज सिंगुलर एंड एज प्लूरल. इन वर्ड्स को हम सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल में भी प्रयोग कर सकते हैं. सिमिलरली बच्चों, रूल नंबर 11, सम बिलो गिवन नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर. आपके सामने कुछ ऐसे वर्ड लिखे गए हैं जिनको हम हमेशा एक वचन के रूप में यूज करते हैं, इन्हें कभी बहुवचन के रूप में यूज नहीं कर सकते. जैसे एडवाइस, ब्रेड, बटर, चौक, डर्ट, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, हेल्थ, ट्रैफिक, बैगेज, ब्रेकेज, ड्रेनेज, गार्बेज, हैमरेज, हेरिटेज, होमेज, लगेज, पोस्टेज, परसेंटेज. तो ये ऐसे वर्ड हैं, इनको हम कभी भी बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं. लेकिन इनके बारे में एक बात नीचे देखिएगा. अबो गिवन नाउन्स आर ज़ूम्ड एज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स. ऊपर जितने भी वर्ड दिए गए हैं इन्हें माना गया है ये एक वचन अनकाउंटेबल नाउन है. अर्थात जब कभी कोई नाउन अनकाउंटेबल होता है तो उसका हम बहुवचन प्रयोग नहीं कर सकते, केवल एक वचन ही प्रयोग कर सकते हैं. और ऐसे वर्ड्स को अगर कभी बहुवचन बनाने की जरूरत पड़े या उसको अलग अलग फॉर्म में बनाने की जरूरत पड़े तो उसके साथ हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपके सामने है. सो अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के अनुसार, अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, अ पाइल ऑफ, काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, एटसेट्रा, वर्ड्स आर यूज बिफोर देम. ऐसे वर्ड उनसे पहले लगाकर उनको हम शो कर सकते हैं. ए एंड एन आर नॉट यूज बिफोर सच सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स. ऐसे अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे. एग्जाम्पल देखिएगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. हमने इंफॉर्मेशन से पहले क्या लगाया, अ पीस ऑफ. पीसेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर से पहले हमने लगाया पीसेज ऑफ. लिस्ट ऑफ स्टेशनरी, इसी तरह अ पीस ऑफ एडवाइस. तो ये ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा एक वचन में यूज किए जाते हैं, और अगर इन्हें कभी बहुवचन बनाना पड़ जाए तो उसके लिए हम कुछ नए शब्द इनके साथ ऐड करते हैं. इसी तरह नंबर 12, बिलो गिवन नाउन सेम प्लूरल इन अपीयरेंस बट यूज्ड एज सिंगुलर. नीचे कुछ ऐसे वर्ड दिए गए हैं जो देखने में बहुवचन है लेकिन प्रयोग में ये एक वचन होते हैं. जैसे न्यूज, समन्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, जेनेटिक्स, एथलेटिक्स, इनिंग्स, गैलोज. ये सभी वर्ड अपने पीछे एस लिए हुए हैं लेकिन ये कभी भी बहुवचन नहीं काउंट होते, एक वचन काउंट किए जाते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा, न्यूज इज ट्रू. न्यूज के पीछे एस लगा हुआ है तो ये बहुवचन होना चाहिए लेकिन नहीं, ये एक वचन है इसलिए इज का यूज किया गया. मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स के साथ इज का प्रयोग किया गया बिकॉज इट इज सिंगुलर. लेकिन बट यूज ऑफ गिवन वर्ड्स विद, अगर इन शब्दों के साथ योर, माई, आर, देयर, हिज, हर जैसे शब्द दिए गए हो तो उस समय ये बहुवचन बन जाते हैं क्योंकि उस समय इनका मीनिंग जेन्युइन मीनिंग से अलग होता है. जैसे माय फिजिक्स आर पुअर, हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी. इनमें बात हो रही है उनके नॉलेज की, उनकी जानकारी की. आर समन्स हैव बीन इश्यूड. तो माय फिजिक्स, हिज पॉलिटिक्स, आर समन्स लगने के बाद ये प्लूरल बन गए. इसी तरह से नंबर 13 बच्चों, बीमारियों के नाम जो होते हैं वो कभी भी बहुवचन काउंट नहीं किए जाते, उन्हें हमेशा एक वचन काउंट करते हैं. जैसे बीमारियों के नाम आपके सामने हैं, रेबीज, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज, कैंसर, डायरिया, कॉलरा, स्कर्वी, बेरीबेरी. इस प्रकार की जो बीमारियां हैं जो डेंजरस हैं, जो अपने आप में रेनाउंड है ऑलरेडी, वो हमेशा एक वचन काउंट की जाती है. सिमिलरली इन नंबर 14, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो खेलों से जुड़े होते हैं, यानी खेलों के नाम. खेलों के नाम हमेशा सिंगुलर काउंट किए जाते हैं. जैसे बाउल्स, ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, हॉकी, क्रिकेट,
खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, एनी काइंड ऑफ गेम, स्पोर्ट्स नेम, खेल के नाम को एकवचन माना जाता है। इन रूल नंबर 15 हैव अ लुक व्हाट्स गिवन टू यू। ये वर्ड हमेशा बहुवचन गिने जाते हैं और इनके साथ एस लगा हुआ आता है, जैसे आर्म्स, क्लोथ्स, एरियर्स, पायजामाज, ब्रीफ्स, एनल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, शर्ट्स, अंडरपैंट्स, टूल्स, बिलोज, क्योंकि ये सभी दो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं या अकेले नहीं होते। जैसे अगर हम पायजामे की बात करें तो इसकी दो टांगे होती हैं, सीजर्स की बात करें दो ब्लेड होते हैं इसमें, टोंग्स की बात करें चिमटे की, उसमें दो पत्तियां होती हैं, ग्लासेस की बात करें उसमें दो चश्मे के शीशे होते हैं, गोगल्स है, स्पेक्टिकल्स है, तो इनमें समेत दो दो चीजें होने की वजह से इन्हें हमेशा बहुवचन ही काउंट किया जाता है। जैसे नीचे एग्जांपल देखिए, योर ट्राउजर्स आर टॉर, तुम्हारा पायजामा फटा हुआ है, यानी तुम्हारे पायजामे की टांगे फटी हुई हैं। हिज गॉगल्स आर नॉट गुड, गॉगल्स आर का यूज किया गया, आर्म्स आर का यूज किया गया, ट्राउजर्स आर का यूज किया गया, तो ये बहुवचन के रूप में काउंट किए जाते हैं। इसी प्रकार नंबर 16 देखिएगा, ये जो वर्ड आपके सामने दिए गए हैं इनके साथ कोई एस या ईएस लगा हुआ नहीं है, लेकिन ये बहुवचन काउंट किए जाते हैं। कैटल, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉल, पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री, क्लर्जी, एक्सक्रीटा, इनसिग्निया, फिनेंट्री, नोबिलिटी, इन सब को प्लूरल माना जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल के साथ आर का उपयोग किया गया। द वर्मिन हैव डिस्ट्रॉयड ऑल द क्रॉप्स, वर्मिन के साथ हैव का उपयोग किया गया। पीपल आर मैड आफ्टर रिच, पीपल के साथ आर का उपयोग किया गया। तो ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें हमेशा बहुवचन माना जाता है। इन रूल नंबर 17 कलेक्टिव नाउन्स को एक वचन माना जाता है अगर वो डिवाइडेड ना हो तो, जैसे ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, कॉयर, क्राउड, हर्ड, टीम, मोब, फ्लॉक, फ्लीट, क्लस्टर, हाई, ये सारे वर्ड कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, द ज्यूरी वॉज हियरिंग द केस, कमेटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, हर्ड इज ग्रेजिंग नियर रिवर, जब तक ये डिवाइड ना हो तब तक इन्हें एक वचन माना जाता है। इसी प्रकार बच्चों 18 नंबर देखिए, रूल नंबर 18, अगर किसी वर्ड में, अगर किसी सब्जेक्ट में वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, एनी ऑफ जैसे शब्द जोड़े गए हो तो वो हमेशा एक वचन होती है। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ देम, और ये जो वर्ड है वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। जैसे वन ऑफ द बॉयज प्लूरल है, नाइदर ऑफ देम, देम प्लूरल है, तो ऑफ के बाद प्लूरल का प्रयोग किया जाता है इनके साथ। इन रूल नंबर 19 कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स जो यूनिवर्सली यूज किए जाते हैं। इसी प्रकार से बच्चों रूल नंबर 19 कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन होते हैं जिन्हें हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है, जैसे ह्यूमन राइट्स, करंट अफेयर्स, आर्म्ड फोर्सेज, ग्रास रूट्स, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वर्टेड कॉमाज, हाई हिल्स, ये सभी वर्ड प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे ह्यूमन राइट्स आर फॉर ऑल, करंट अफेयर्स आर यूज फॉर लर्निंग। तो इस प्रकार से बच्चों ये था आज का आपका, हम किस प्रकार से अ सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से नाउन है जिन्हें केवल एक वचन माना जाता है, या ऐसे कौन कौन से नाउन है जिन्हें बहुवचन माना जाता है। ये सभी नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल आपकी सहायता करेंगे एरर फाइंड आउट। तो इस प्रकार से हम जान पाए कि कौन कौन से वर्ड्स को कैसे करते हैं और इनके एकवचन बहुवचन के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। तो बच्चों इट वॉज फॉर द डे, अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले समय की हर एक अपडेट आपको समय पर मिल सके और आप अपनी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन बेटर वे से कर सकें। हैव अ गुड डे, जय हिंद।